होगी अब तो होली की धमाल, चल पिचकारी उड़ेगा गुलाल। होगी अब तो होली की धमाल, चल पिचकारी उड़ेगा गुलाल। अब तो होली की धमाल, चल पिचकारी उड़ेगा गुलाल। होगी अब तो होली की धमाल, चल पिचकारी उड़ेगा गुलाल। हेलो चिल्ड्रन, टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग होली फेस्टिवल। होली इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ इंडिया। होली भारत देश का एक लोकप्रिय त्योहार माना जाता है। होली इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स, जॉय एंड टुगेदरनेस। होली रंगों का तथा हंसी खुशी का निराला त्योहार माना जाता है। यह त्योहार हर साल फागुन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। सर्दी की विदाई और गर्मी की शुरुआत इसी त्योहार से होती है। होली के दिन बच्चे और बड़े गुब्बारे, पिचकारी और रंगों के साथ इस त्योहार का आनंद उठाते हैं। इस अवसर पर घर घर तरह तरह की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, जैसे गुजिया और लड्डू। Let's understand about this festival more with the help of short story. प्राचीन काल में एक अत्याचारी राक्षस राज हिरण्यकश्यप ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया कि संसार का कोई भी जीव जंतु, देवी देवता, राक्षस या मनुष्य उसे ना मार सके, ना ही वह रात में मरे, ना ही दिन में, ना पृथ्वी पर और ना आकाश में, ना घर में और ना बाहर मरे, यहाँ तक कि कोई शस्त्र भी उसे ना मार पाए। ऐसा वरदान पाकर हिरण्यकश्यप खुद को भगवान मानने लगा और वह चाहता था कि हर कोई भगवान विष्णु की तरह उसकी पूजा किया करे। वहीं अपने पिता के आदेश का पालन ना करते हुए हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद ने उसकी पूजा करने से इनकार कर दिया और उसकी जगह भगवान विष्णु की पूजा करना शुरू कर दिया। प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था और उस पर भगवान विष्णु की असीम कृपा थी। अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान विष्णु की आराधना करता देखकर नाराज होने की वजह से हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को कई सजाएं दी जिनसे वह प्रभावित नहीं हुआ। इसके बाद हिरण्यकश्यप और उसकी बहन होलिका ने मिलकर एक योजना बनाई कि वह प्रहलाद के साथ एक चिता पर बैठेगी। होलिका के पास एक ऐसा कपड़ा था जिसे ओढ़ने के बाद उसे आग में किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचता था। दूसरी तरफ प्रहलाद के पास खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं था। जैसे ही आग जली, वैसे ही भगवान विष्णु की कृपा से होलिका का वह कपड़ा उड़कर प्रहलाद के ऊपर चला गया और इस तरह प्रहलाद की जान बच गई और उसकी जगह होलिका उस आग में जल गई। यही कारण है कि होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। होलिका दहन के दिन एक पवित्र अग्नि जलाई जाती है जिसमें सभी तरह की बुराई, अहंकार और नकारात्मकता को जलाया जाता है और उसके अगले दिन हम अपने प्रियजनों को रंग लगाकर त्योहार की शुभकामनाएं देते हैं और इसके साथ ही नाच गाने और स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ इस पर्व का मजा लेते हैं। दोस्तों, आप सभी को होली के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। We
वेरी हैप्पी होली।